हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड चेंज, और जिसके अंदर हमारा जो टॉपिक है कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम के अंदर ये आता ही आता है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माई ऐप, एड ऐप जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी हैं, तो ODC का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो कॉम्प्रिहेंसिव ODE इंटरवेंशन क्या होती है, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि कॉम्प्रिहेंसिव ओडी इंटरवेंशन जो है, दे आर वेरी मच अलाइव। और आज भी जो कंटेम्प्रेरी ओडी प्रैक्टिसेस हैं वहां पे ये यूज की जाती है। देखो, जो कॉम्प्रिहेंसिव है, जिसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है बहुत डेप्थ के अंदर, बहुत डिटेल के अंदर, तो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव इंटरवेंशन है जिसके अंदर पूरे सिस्टम को इन्वॉल्व किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन है, कंसल्टेंट है, दोनों के कोलैबोरेशन से क्या होता है, डायग्नोज भी किया जाता है, फिर देखा जाता है कि किस तरह से हमने ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए एप्रोप्रिएट इंटरवेंशन जो है लगानी है। और उसी तरह क्या है कि जो क्लाइंट सिस्टम एक्सपीरियंस फेस करता है, उसकी रियलिटी के साथ जो भी हमने इंटरवेंशन करनी है वो उसकी रियलिटी के साथ जो है मैच होनी चाहिए, जो उसकी मतलब क्लाइंट के सिस्टम के साथ होनी चाहिए, ताकि वो क्लाइंट अपने सिस्टम के अंदर से प्रॉब्लम्स को निकाल के अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कर सके। कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशन आर इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंट टू विच द टोटल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व। इसके अंदर हम देखते हैं कि किस एक्सटेंट तक पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्वॉल्व है। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, गेटिंग द होल सिस्टम इन द रूम, कि पूरे सिस्टम को हमने एक रूम में लिया है। होल सिस्टम का मतलब है कि जितने भी फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस है सबको मैनेज कर। उसी तरह जैसे टॉप मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है, और चाहे वो टॉप लेवल है, चाहे वो मिडिल लेवल है, चाहे लोअर लेवल है, क्रॉस सेक्शनल इंप्लॉयज फ्रॉम ऑल लेवल, सप्लायर्स एंड कस्टमर, सबको इन्वॉल्व किया जाता है। डायरेक्टर ऑफ ऑल द सोशल सर्विसेज एजेंसी इन द कम्युनिटी, तो इसके अंदर पूरे सिस्टम को जो है स्टडी किया जाता है। उसी तरह बेकार्स कन्फ्रेंटेशन मीटिंग एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक्टिविटीज टॉप मैनेजमेंट। देखो, यहाँ पे जो कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशन के अंदर कन्फ्रेंटेशन मीटिंग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक्टिविटीज, जिसके अंदर टॉप मैनेजमेंट को इन्वॉल्व कराता है। अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो पूरे मैनेजमेंट ग्रुप को इन्वॉल्व कराता है, अगर बड़ी है तो टॉप मैनेजमेंट को। तो सर्वे फीडबैक जो है कि इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। कुछ कॉम्प्रिहेंसिव इंटरवेंशन जिसके अंदर सिक्स सिग्मा इनिशिएटिव है, क्वालिटी मंत्र, जिसको हम डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। और बहुत सारी और भी इंटरवेंशन कॉमन है, जैसे सर्च कॉन्फ्रेंस, ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, कन्फ्रंटेशन मीटिंग। तो दीज आर द टेक्निक्स ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव इंटरवेंशन, सर्च कॉन्फ्रेंस एंड फ्यूचर सर्च कॉन्फ्रेंस। देखो, यहाँ पे क्या है कि ये जो है कंसल्टिंग प्रैक्टिसेस के साथ जो है अमर्ज हुई है, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर, यूरोप के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। फ्यूचर सर्च कॉन्फ्रेंस जो है वो अमेरिकन फिनोमेना के ऊपर बेस्ड है। तो इसके अंदर पहले इन्वायरमेंट को स्टडी किया जाता है, फिर सिस्टम को एनालाइज किया जाता है, फिर उसके बाद देखा जाता है कि सिस्टम और इन्वायरमेंट जो है उसको एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट किया जाता है। तो ये जो सर्च कॉन्फ्रेंस है ये नॉर्मली 2.5 डे इवेंट होती है। 20 to 30 पीपल जो होते हैं सिलेक्ट किए जाते हैं कोई क्राइटेरिया के बेसिस पे, जो सिस्टम की अच्छी नॉलेज है और जो बाद में फ्यूचर के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ले सकते हैं। फ्यूचर सर्च कॉन्फ्रेंस जो होती है वन जो कि रोनल्ड लिपट और लिनमैन सी फाइंडिंग से आइडियाज को इंटीग्रेट करके बनी है, जिसके अंदर जो लोग हैं वो प्लान आउट करते हैं और अपना जो है एक्शन जो है जो वो डेवलप करना चाहते हैं उसके बैकवर्ड वो काम करके जो अपना एक्शन प्लान जो है, अपना सारा कुछ कमिटमेंट लेवल एनर्जी एंथुसियाज्म जो है उसके अंदर डाल के बताते हैं। बैकवर्ड्स कन्फ्रंटेशन मीटिंग जो कि डेवलप की गई है रिचर्ड बैकवर्ड ने, ये 1 डे मीटिंग होती है जिसके अंदर पूरी मैनेजमेंट जो है उसकी मीटिंग होती है, जिसके अंदर वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ को रीड करते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, जहां पे क्या होता है कि जो भी ये जो मीटिंग होती है उसके अंदर इंफॉर्मेशन जनरेट की जाती है, जो इसकी मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं उनको एनालाइज किया जाता है, क्या कॉजेज हैं, किस तरह से हम एक्शन प्लान ले सकते हैं उनको ठीक करने का, करेक्ट करने का।
उसी तरह इस सर्वे फीडबैक जो कि बेस्ड ऑन सिस्टम 1/4D थ्योरी आर डिजाइन टू इन्वॉल्व ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन और ऑफ रिलेटिवली ऑटोनॉमस सब डिविजन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सर्वे फीडबैक जो है एक प्रोसेस है जो कि ट्रेंड इंटरवेंशन के द्वारा जो है ट्रेन लोगों के द्वारा जो है कैरी आउट किया जाता है और ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को भी वो इसके साथ इन्वॉल्व करते हैं, जिसके अंदर वो ऑर्गेनाइजेशन का डायग्नोस करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, फीडबैक है उसके बेसिस पे रिजल्ट जो है वो देते हैं कि इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ, जो कि ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि इन्वायरमेंट जो होता है डायनामिक होता है, वोलेटाइल होता है, फ्लक्चुएटिंग होता है, तो किस तरह से ये ग्रोथ और सर्वाइवल को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन गोल जो है फॉर्मुलेट किए जाते हैं, क्या मिशन है, क्या विजन है, ऑर्गेनाइजेशन के जो करंट ऑब्जेक्टिव है, स्ट्रैटेजी है, उसको असेस किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को एनालाइज किया जाता है, स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसके बेसिस पे स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, फिर स्ट्रैटेजी कंट्रोल लगाई जाती है ताकि जो स्ट्रैटेजी है वो हमें फ्रूटफुल रिजल्ट दे। सिक्स सिग्मा जो द क्वालिटी मंत्रा इज ए वे ऑफ लाइफ, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो भी प्रोडक्ट या प्रोसेस हम बना रहे हैं उसके अंदर क्या वेरिएशन है, उसको आइसोलेट करते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं, उसके बाद हम उसको एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ पे होता है कि प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, टोटल क्वालिटी को मेयर किया जाता है और ये फैक्ट बेस्ड अप्रोच होती है जो कि लॉजिकल के बेसिस पे प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। तो यहाँ पे एक न्यू वे ऑफ थिंकिंग है जो हम सोचते हैं कि कस्टमर को वैल्यू देनी है और एक जो है कॉर्पोरेट कल्चर जो है बिल्ड करना है। इसके अंदर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसको स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, फिर स्टैटिस्टिकल वे से सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं, फिर चेंजिंग द सॉल्यूशन टू द प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। मेथोडोलॉजी होती है कि पहले जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उसको डिफाइन किया जाता है, लिमिट्स क्या है, और फिर देखा जाता है कि जो प्रोसेस की क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या क्या चीजें उसको मैटर करती हैं क्रिटिकली, सॉल्यूशन निकाला जाता है, फिर स्मॉल सैंपल पे सॉल्यूशन का लगाया जाता है, फिर देखा जाता है क्या प्रॉब्लम्स है, फिर एक्शन प्लान, फिर उसके बाद न्यू प्रोसेस को जो है इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। जो मेथडोलॉजी यूज की जाती है डिजाइन फॉर सिक्स सिग्मा, डिफाइन मेयर एनालाइज इम्प्रूवमेंट क्वालिटी जो है मेथडोलॉजी इसके ऊपर लगाई जाती है। फिर कल्चर एनालिसिस जो कॉम्प्लेक्स होता है और ऑर्गेनाइजेशन को बहुत गहराई के अंदर एनालाइज करता है, तो ये जो है हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट कंसल्टेंट के लिए रेडी नहीं होता, ना ही हर एक क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। तो यहाँ पे होता है कि जो एनालिसिस है उसका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना कि किस तरह से हम प्रोसेस को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है कि पहले हमें पर्पज एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो इमीडिएट क्लाइंट है वो जो मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनके ग्रुप्स लेके आएगा ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कल्चर का कंसेप्ट है उसको डिस्कस किया जाए और अपनी अजम्पशन डिवेलप की जाए। उसी तरह जो बिल्डिंग का आर्किटेक्चर है, ऑफिस लेआउट है, मोड ऑफ ड्रेस है, प्रीक्विजिट है, स्टेटस सिंबल जो है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको नोट डाउन किया जाता है, फिर उसके बाद जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको छोटे ग्रुप्स के अंदर भेजा जाता है ताकि और अजम्पशंस को आइडेंटिफाई कर सके और उनको कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई कर सके। फिर उसके बाद होता है कि गोल्स हमने किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, तो ये जो सेल्फ डायग्नोस है फिर टोटल ग्रुप को बताया जाता है और आउटसाइड कंसल्टेंट की हेल्प से जो है इसको एनालाइज किया जाता है और सोचा जाता है कि क्या राइट स्ट्रेटजी हो सकती है, क्या राइट स्टेप्स हो सकते हैं। ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट जो कि रॉबर्ट ब्लेक एंड जेन माउंटेन ने डिजाइन की है और ये कंसेप्ट एंड मेथड ऑफ मैनेजरियल ग्रिड यूज के हैं जो कि अगेन ब्लेक एंड माउंटेन ने डेवलप की है। ये टू डायमेंशनल स्कीमेटिक है जिसके अंदर हम इंडिविजुअल मैनेजर की जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं उनको एग्जामिन करते हैं और किस तरह से हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके डिफरेंट फेज है, प्री फेज जो है जिसके अंदर की मैनेजरियल को सिलेक्ट किया जाता है जो कि बाद में इंस्ट्रक्टर्स बनते हैं, तो वो मैनेजरियल ग्रिड क्वेश्चन के बेसिस पे अपना स्टाइल जो है असेस करते हैं और टीम प्रॉब्लम जो है डेवलप करते हैं ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके और कल्चर को एनालाइज किया जा सके। फेज वन के अंदर जो मैनेजर ग्रिड है, ग्रिड सेमिनार कंडक्ट किया जाता है जो कि कंपनी के मैनेजर करते हैं। तो यहाँ पे होता है कि हर एक जो मैनेजर है उसका वर्किंग स्टाइल क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, टीम वर्क स्किल्स क्या है। फेज टू के अंदर टीम डेवलपमेंट है, तो यहाँ पे टीम जो है बनाई जाती है और देखा जाता है कि वो परफेक्टली जो है
काम करें। फेज थ्री के अंदर एक टीम का दूसरे टीम के साथ क्या रिलेशन है, किस तरह से उनकी मतलब क्या आइडियल रिलेशन होना है। फोर्थ जो फेज है उसके अंदर आइडियल स्ट्रैटेजिक कॉर्पोरेट मॉडल जो है देखा जाता है, किस तरह से हमने कॉर्पोरेट एक्सीलेंसी प्राप्त करनी है, फिर आइडियल स्ट्रैटेजिक मॉडल को इम्प्लीमेंट किया जाता है। फिर उसके बाद जो है सिस्टमेटिक क्रिटिक, जिसके अंदर उसको मेयर एंड एवेल्युएट किया जाता है, जिसके अंदर देखा जाता है क्या प्रॉब्लम्स है और उसके अंदर हम किस तरह से इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं।